अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, अमेरिका में बाइडन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ए तारक शाह, बी रचना शाह, सी सुनैना सिद्दीकी या डी रचना श्रीवास्तव। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बिहार एटीएस के एडीजे पहुंचे भागलपुर, किया निरीक्षण। बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए बिहार एटीएस के एडीजे रविंद्रन शंकरन बिहार भ्रमण पर हैं। इसी कड़ी में दोपहर एडीजे भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां रविंद्रन शंकरन भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी, एसएसपी और नौगछिया एसपी के साथ बड़ी घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी और केसों की स्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें कि जिले में अपराध की घटना में काफी वृद्धि हुई है, जिसको देखते हुए एटीएस एडीजन रविंद्रन शंकरन भागलपुर पहुंचे हैं। रविंद्रन शंकरन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा किया। वहीं बिहार पुलिस ट्रेनिंग एडीजी आर मल्लार विजी भी भागलपुर पहुंची। उन्होंने जिले के नाथनगर स्थित सीटीएस का निरीक्षण किया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। भागलपुर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भागलपुर के सबौर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। वहीं प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, डॉक्टर प्रीति शेखर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज तो बैठक नहीं है, प्रशिक्षण है। हम लोग, ये निरंतर चलने वाला है और हम लोग संगठन के अंदर ये चलते रहता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं और अनेक ऐसे विषय जो होते हैं, जो देश हित में होते हैं, समाज हित में होते हैं, उन पर हम चर्चा करते रहते हैं, अपने जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, समस्याओं का समाधान भी यहाँ से मिलता है तो उसका भी हम यहीं अभ्यास करते हैं। तो वही यह कार्यक्रम था और वो अभी चलने वाला है। क्या लगता है किसानों के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? किसानों की हक की बात भारत सरकार ने की है और जो कानून बनाया है उस कानून को भारत के किसानों ने कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि वो कानून पूरे तौर पर उनके हित में है, उनके इंटरेस्ट में है। दिल्ली में कल उपद्रव हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का उपद्रव तो उपद्रवकारियों द्वारा हुआ है। अभी आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के आड़ में ये उपद्रव हुआ। उन किसान नेताओं ने उसका नेतृत्व किया और लाल किला पर जहाँ तिरंगा अपना देश का प्यारा झंडा फहरता है वहाँ दूसरे झंडे को जा कर के फहरा दिया। अब इसको आप क्या कहेंगे, ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। उस आंदोलन को जिस दृष्टि से देखनी चाहिए, आप देखने का प्रयत्न करो तो सब कुछ दिखाई पड़ चुका है। सभी बेनकाब हो चुके हैं, देश को तोड़ने वाले किसान आंदोलन का आड़ लेकर के देश में विध्वंस करने का, हिंसा फैलाने का, अव्यवस्था फैलाने के काम में लगे हुए हैं। सरकार किसान बिल को 1.5 साल तक स्थगित करने का विचार कर रही थी, उस पर क्या कहना? अब ये तो उनके बीच और सरकार के बीच जो वार्ता हो रही है उसके बीच की बात है। मुझे नहीं मालूम कि किस स्टेज में
किस स्तर पर ये बात हुई है, बिल को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन अब डेढ़ साल के लिए स्थगित करना है, क्या करना है? अब तो मैं समझता हूँ कि एक दिन भी इसे स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून इन्फोर्स किया जाए, ये कानून तत्काल और तुरंत अभी के प्रभाव से लागू किया जाए, क्योंकि अब ये बात साफ हो गई है कि देश का किसान इस कानून को चाहता है। कुछ हुल्लड़बाज और कुछ इस देश को तोड़ने वाले ऐसे वामपंथी और कांग्रेसी नेताओं के भ्रम में कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने हृदंगई किया, जिन्होंने उपद्रव किया, वो उपद्रव साफ है। जहाँ देश आहत हुआ गणतंत्र दिवस पर, जहाँ दुनिया भारत की ओर देखती है, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है भारत, तो इस प्रकार की घटना वहाँ घटी है और वो भी किसान आंदोलन के नाम पर घटी है, तो सब कुछ सामने आ चुकी है, बातें सब सामने हैं। इसलिए अब इन आंदोलनकारियों से मैं समझता हूँ कि कोई वार्ता चलाने की ज़रूरत नहीं है। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो अपराधी घटनाओं का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल तीन अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने दो अपराधी घटनाओं का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल तीन अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर एसपी नितिशा गुड़िया ने एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि 5 नवंबर को अकबर नगर थाना क्षेत्र के सुशांत कुमार शिवम से 25 लाख रुपए लूट कर अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले के उद्भेदन को लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक नगर पूरन झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम ने लूट और हत्याकांड में शामिल मुख्य सरगना कुख्यात अपराधी दारामिया और उसके सहयोगी लाल उर्फ आशीष को एक देसी पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन के साथ धर दबोचा है। नवंबर 2020 को सुशांत कुमार शिवम की लूट कर हत्या कर दी गई थी, तो इस कांड में आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि की गई है, जो इसमें जो मेन अभियुक्त था दारा मियां, उसकी गिरफ्तारी की गई है अवैध हथियार के साथ, और उसी की निशानदेही पे एक और अभियुक्त जो है मोहम्मद लाल, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों अपराधियों ने अपनी संलिप्तता इस कांड में होने को स्वीकार किया गया है। कहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया? दारा मियां के विरुद्ध सूचना मिली थी कि ये अभी अभी जगदीशपुर में जो अपना ससुराल है उसमें आया गया, तो उसी में जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, जो हमारी एसआईटी थी, जो एएसपी सिटी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में थी, उनके द्वारा जो है निशानदेही पे छापेमारी की गई और उसकी वहाँ से गिरफ्तारी की गई। धन्यवाद। थाना अंतर्गत पंकज चौधरी की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो इसके नामजद अभियुक्त हैं शुभम सोनार, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है और ये वहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में पूर्व से ही एक विवाद चला आ रहा था, जिसके कारण इनके द्वारा बताया गया कि पंकज चौधरी की हत्या कर दी गई है साजिश के अंतर्गत। पैसे की लेन देन का मामला था क्या मैडम? धन्यवाद। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में मना गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का जन्मदिन। गोड्डा सांसद सह भाजपा के दिग्गज नेता निशिकांत दुबे का जन्मदिन नवगछिया में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले दर्जनों ब्राह्मण समाज सहित सैकड़ों युवाओं के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम उनके दीर्घायु जीवन के लिए हवन का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद महाराज जी चौक पर संध्या के समय सैकड़ों लोगों के साथ केक काटा गया एवं मिठाई बांटी गई। वहीं उनके जन्मदिन को लेकर नवगछिया रेलवे स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था की गई थी एवं मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में पंडित वैदिक ललित शास्त्री, संतोष गुप्ता, चंद्रगुप्त शाह, मिथुन महुआ मधेसिया, राम कुमार, अशोक केडिया, सुभाष, आशीष कुमार, नंदलाल तिवारी, सुरेंद्र जी, नीरज शर्मा, अमर कुमार, निर्मल कुमार, हिमांशु रंजन, नरेश शर्मा सहित कई अन्य उपस्थित थे। ओम
नवगछिया में इंटर की परीक्षा को लेकर एसडीओ ने की बैठक, कहा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराएं केंद्र अधीक्षक। नवगछिया मंडल कार्यालय में एसडीओ अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी ने की एवं केंद्र अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि केंद्र अधीक्षक को परीक्षा को लेकर गश्ती दल एवं दंडाधिकारी के कर्तव्य को बताया गया। एसडीओ ने केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षा में लगाए गए वीक्षक नियमानुसार होंगे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। महिला पुलिस बल की भी तैनाती होगी। परीक्षा केंद्र पर वीक्षक भी अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखेंगे। परीक्षार्थियों को समुचित जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी होगी। वहीं परीक्षार्थी सिर्फ प्रवेश पत्र लेकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। एसडीओ ने किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में कदाचार बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र अधीक्षक की होगी। ये बताते चलें कि नवगछिया के 6 परीक्षा केंद्र पर इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से आरंभ होगी। परीक्षा को लेकर नवगछिया के जीबी कॉलेज, बनारसी लाल सराफ कॉलेज, मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय, इंटर स्तरीय विद्यालय रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय एवं श्री लालजी मध्य विद्यालय सिंधिया मकनपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। रंगरा बीपुर ने कुर्सेला को 64 रनों से किया पराजित। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का चौथा और आखिरी लीग मैच में बीपुर की टीम ने कुर्सेला की टीम को 64 रनों से पराजित कर दिया। बीपुर ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 224 रनों का टारगेट खड़ा किया। बीपुर के बल्लेबाज देवाशीष ने 27 बॉल 38 रन मिलन 12 बॉल 44 रन जोड़े। जवाब में कुर्सेला की टीम 16 ओवर में 160 रन बनाकर सिमट गई। बीपुर के मिलन के शानदार गेंदबाजी 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट झटके मैन ऑफ द मैच बीपुर के मिलन को घोषित किया गया। वहीं ग्रामीण पप्पू ठाकुर ने मिलन को सम्मानित किया। मैच के निर्णायक की भूमिका में अकरम अली और निक्की थे तो स्कोरर का काम अंजनी कर रहे थे। कमेंट्री सुजीत और अनिकेत कर रहे थे। नवगछिया बनारसी लाल कॉलेज के शासी निकाय की हुई बैठक, नेक्स्ट से मूल्यांकन की तैयारी भी शुरू। स्थानीय बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज के शासी निकाय की आवश्यक बैठक कॉलेज परिसर स्थित प्रचार कक्ष में संपन्न हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही महाविद्यालय का नेक्स्ट से मूल्यांकन कराने की तैयारी प्रारंभ कर देने की बात बताई गई। यह जानकारी देते हुए महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव सह विश्वविद्यालय के सीनियर सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने बताया कि महाविद्यालय अब प्रगति की राह पर चल पड़ा है, जिसका प्रमाण महाविद्यालय में NCC और NSS की स्थापना कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द ही पुस्तकालय को भी नए सिरे से कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चौमुखी विकास पर भी बैठक में चर्चा की गई। कोमल
होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया के रंगरा पीएससी में कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू। पहले दिन 100 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार से कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। गुरुवार को कुल 100 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर का वैक्सीनेशन किया गया। रंगरा पीएससी में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी रंजीत कुमार को टीका लगाया गया। टीकाकरण कार्य का उद्घाटन रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं टीकाकरण को लेकर रंगरा पीएससी में 3 कक्ष बनाए गए और एहतियात के तौर पर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। आज यहाँ गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में 50 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा नोवेल कोरोना का टीका। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में गुरुवार की दोपहर को समारोह पूर्वक 50 स्वास्थ्य कर्मियों को नोवेल कोरोना का टीका लगाया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर उदयराज, स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय, LT आशीष चौधरी सहित 50 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया। नवगछिया में बोले राजद नेता अजय सिंह निर्दोष है, उसे गलत तरीके से फंसाया गया। बीते मंगलवार को कदवा के पचगछिया निवासी खोका सिंह हत्याकांड में राजद नेता अजय सिंह पर मुकदमा दर्ज कराने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विपक्ष के नेता सह विधायक प्रत्याशी शैलेश कुमार, जिला अध्यक्ष अलक निरंजन पासवान, जिला महासचिव संजय मंडल, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, नगर अध्यक्ष अधिवक्ता हिमांशु यादव, नगर अध्यक्ष तनवीर बाबा, आपदा जिलाध्यक्ष अशोक यादव एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव सहित कई अन्य ने विरोध जताया है। विरोध जताते हुए विपक्ष के नेता शैलेश कुमार ने कहा कि अजय सिंह एक सुलझे हुए इंसान है, इन्हें ओछी राजनीति के तहत गलत तरीके से फंसा दिया गया है, वे बिल्कुल निर्दोष हैं। अपराधियों ने जदयू नेता को फोन पर दी जान मारने की धमकी। जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह रंगरा के सौरा निवासी अखिलेश सिंह निषाद को अज्ञात अपराधियों ने उनके मोबाइल पर फोन कर उन्हें जान मारने की धमकी दी और भद्दी भद्दी गालियां भी दी है। जदयू नेता ने कहा कि सुबह वो अपने घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो उसी समय उनके मोबाइल पर एक फोन आया और उनके साथ पहले गाली गलौज की, फिर उन्हें जान मारने की धमकी दी। अखिलेश सिंह का कहना है कि जब उसने फोन करने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने फोन रख दिया और 15 मिनट के बाद फिर दोबारा उसके मोबाइल पर फोन किया, फिर उसके साथ गाली गलौज किया और जान मारने की धमकी भी दी है। अखिलेश सिंह ने कहा कि वर्ष 2018 में अपराधियों ने उस पर गोली चला दी गई थी जिसमें वे बच गए थे। उन्हें आशंका है कि अपराधी उनके विरुद्ध जान माल का नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। इस बाबत जदयू नेता ने रंगरा थाने में लिखित शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंगरा थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। खोखा सिंह हत्याकांड, मुखिया समेत 11 नामजद व 4 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। खोखा सिंह हत्याकांड के बाद उसके भाई इंदल सिंह की ओर से कदवा थाने में आवेदन के आधार पर पुलिस ने पंचायत के मुखिया समेत 11 लोगों को नामजद करते हुए 4 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें मुखिया अजय सिंह, दीप नारायण सिंह, पुलिस सिंह, उमेश सिंह, सुनील सिंह, अनिल सिंह, बबलू सिंह, रजनीश कुमार, रोशन कुमार, अभिषेक कुमार, नीतीश कुमार को नामजद कर 4-5 अज्ञात को भी शामिल किया गया है। वहीं उक्त मामले में कदवा थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन कर जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक
व्यवस्था आपके लिए, आइए आपका इंतजार है। होटल फोर प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371171 7325052437। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद ले मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।